हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और 9 अगस्त 2024 की दोपहर ब्राजील के कास्केवल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 61 लोग मारे गए। पर आखिर कैसे यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कहां पर गलती हुई कि इसमें सवार सभी 61 लोग आग में जिंदा जल गए, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 9 अगस्त 2024 कास्केवल एयरपोर्ट ब्राजील ATR-72 फ्लाइट 2283 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एक एक करके कुल 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार होने लगे। इस प्लेन को 61 वर्षीय हम्बार्टो डी सिल्वा उड़ाने वाले थे, तो वहीं उनके साथ मौजूद थे 35 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर डेनिलो सेंटोस रोमानो। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में मौजूद थी 28 वर्षीय डेबोरा सोपर अविला और उनका साथ दे रही थी 41 वर्षीय रूबिया सिल्वा डी लिमा। वहीं इस प्लेन की बात करे तो इसे आज से करीब 14 साल पहले यानी कि इसे 2010 में बनाया गया था, लेकिन पहले इसे इंडोनेशियन एयर सर्विस ऑपरेट कर रही थी। सितंबर 2022 में ब्राजीलियन एयरलाइंस बोयपास ने इसे खरीद लिया और तब से यही ऑपरेट कर रही है। वहीं अगर बात करें इसके इंजन की तो इसमें डबल इंजन प्राट एंड विटनी कनाडा PW127 इंजन लगा हुआ है। पायलट अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के बाद ATC से टेक ऑफ की परमिशन लिया। 11:56 में ये प्लेन कास्केवल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को साओ पालो के ग्वारालहुस एयरपोर्ट में लैंड करना था। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया और अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ने लगा। उड़ान के करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि दोपहर के करीब 1:22 पर ये प्लेन अचानक से ATC के रडार से गायब हो गया। ATC प्लेन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगे पर उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, जब तक कि ATC कुछ समझ पाते। इससे पहले उन्हें सूचना मिला कि फ्लाइट 2283 साओ पालो के विनहेडो नामक जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जगह लैंडिंग एरिया से 76 किलोमीटर पहले था। उधर प्लेन को गिरते ढेर सारे लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में शूट कर लिया और इसे इंटरनेट सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करते ही ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसे लाखों लोगों ने इस दृश्य को देखा। वहाँ के एक शख्स ने बताया कि उन्होंने विमान को नीचे गिरते देखा। उन्होंने कहा कि विमान बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजरा, ये हमारे घर पर गिरने वाला था। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। गिरते देख हम सभी चीखने चिल्लाने लगे कि आखिर कैसे ये विमान इतनी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। आसपास के लोग वहाँ जो मौजूद थे वो लोग भी किसी को बचा नहीं पाए। इतनी भीषण आग लगी हुई थी। जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ कई सारे घर भी मौजूद थे, पर ये प्लेन किसी के घर के ऊपर नहीं गिरा, लेकिन फिर भी इसके झटके ने आसपास के कई घरों को तोड़ दिया। हालांकि ग्राउंड में किसी की भी जान नहीं गई। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई, लेकिन वहां के जो हालात थे उसे देखकर रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आग की लपटें प्लेन के चारों तरफ जल रही थी। प्लेन में सवार सभी 61 लोग मारे जा चुके थे। लोगों के बॉडी इस हद तक जल चुकी थी कि उनको सही से पहचाना भी नहीं जा रहा था। पर आखिर ये प्लेन अचानक से कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया? क्या पायलट को इस घटना से पहले किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी? पायलट ने क्रैश से पहले किसी भी तरह का कोई मेडिकल या फिर कोई इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा? अगर प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेन के इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहे थे, तो फिर यह प्लेन क्रैश कैसे हो गया? फिलहाल इन सारे सवालों का जवाब दे पाना बेहद ही मुश्किल होगा। रेस्क्यू टीम द्वारा ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया। अब इन सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता है, लेकिन इसे डिकोड करने में कुछ दिनों का वक्त लगने वाला है। जब तक ब्लैक बॉक्स डिकोड नहीं होता है तब तक ये बता पाना बेहद ही मुश्किल होगा कि आखिर इस प्लेन क्रैश में पायलट की गलती थी या फिर प्लेन के कॉकपिट में लगा इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा था। खैर, इस फ्लाइट में जहाँ इतने लोगों की मौत हुई वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका टिकट तो इस प्लेन में था, लेकिन किसी कारणवश वे लोग इस प्लेन में बोर्डिंग नहीं कर पाए और सौभाग्य से उन सभी की जान बच गया। पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस फ्लाइट में वे लोग सफर करने वाले थे अब वो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग चुकी है, लेकिन अभी के हिसाब से इसके क्रैश होने की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लेन क्रैश होने से पहले ऑलमोस्ट 17,000 फीट के एल्टीट्यूड में था और ये एकदम से 90 डिग्री के
एंगल में गिर रहा था। प्लेन में कोई भी आग, कोई भी धुआं नहीं था। इसका साफ मतलब निकलता है कि प्लेन के इंजन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पर अगर इंजन में प्रॉब्लम नहीं हुई थी तो पायलट प्लेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? इसका सीधा जवाब निकल कर आता है कि हो सकता है प्लेन ऑटो पायलट मोड में फ्लाई कर रहा होगा और प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया होगा। स्टॉल प्लेन का वो कंडीशन होता है जब प्लेन का स्पीड इतना कम हो जाता है कि वो प्लेन उड़ना ही बंद कर देता है। इसके बाद ये नीचे की ओर गिरने लगता है। जब ये प्लेन गिरना शुरू हुआ तब ये प्लेन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई में अगर कोई प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाता है तो उसे बचाने का एक न एक मौका मिल ही जाता है। इसे केस में पायलट प्लेन के नोज को डाउन करते हैं ताकि प्लेन की रफ्तार बढ़ जाए जिससे प्लेन स्टॉल कंडीशन से बाहर निकल जाए। लेकिन 17,000 फीट के एल्टीट्यूड में होने के बावजूद भी फ्लाइट 2283 स्टॉल कंडीशन से बाहर नहीं आ पाया और प्लेन लगातार नीचे गिरता ही रहा जब तक कि वो जमीन से ना टकरा गया। प्लेन गिरने का दूसरा कारण बेड वेदर भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर प्लेन क्रेश हुआ वहां का ग्राउंड टेम्परेचर एवरेज 17 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि ग्राउंड में काफी ठंड रहा होगा। ऐसे में अगर हम बात करें 17,000 फीट ऊपर की तो वहां पर एवरेज टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा, यानी कि बादल में आइस के पार्टिकल मौजूद होंगे और यही आइस के पार्टिकल प्लेन के उड़ने में बाधा डाल रहे होंगे। हो सकता है यही आइस के पार्टिकल सेंसर में जम गए होंगे जिस वजह से सेंसर ऑटो पायलट को गलत जानकारी भेजने लगेगा, या फिर प्लेन के विंग्स में भी आइस जम गया होगा जिससे प्लेन का विंग्स पूरी तरह से जाम हो गया होगा और यही आइस पार्टिकल प्लेन को उड़ने में बाधा बन गया होगा। ऐसे में पायलट चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पायलट ऐसे रास्ते में नहीं जाना चाहते। प्लेन आइस की वजह से क्रैश हुआ इसकी भी पुष्टि हो चुकी है, साथ ही वहां के स्थानीय निवासियों को भी क्रैश पॉइंट के आसपास बर्फ का टुकड़ा भी मिला। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की टीम ने अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही सारी सच्चाई का पता चल सकेगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।